Guys, welcome back. If you're curious to know what is in my travel backpack, the camera backpack that I'll be carrying with me in my upcoming adventures, so let's jump onto this and देखते हैं बैग में क्या क्या है and what all I'll be carrying with me and क्या क्या new gadgets मैंने add किए हैं. So this is the camera bag that I'll be carrying with me everywhere जहाँ पे मैं next adventure पे जा रहा हूँ. There are 3-4 trips lined up. That is the reason I was not uploading the video from last 1 month because I was preparing for my next adventure. Last year मैंने complete किया था Everest base camp and this year I am going to Annapurna base camp and वो भी होगा one of the biggest adventure of my life. नेपाल जाने वाले हैं हम सितंबर में and this is what I'll be carrying. वहाँ जाने में अभी 2 महीने हैं, इस उससे पहले 2 और ट्रिप्स लाइंड अप है मेरे. सो लेट्स सी कौन सा कैमरा बैग मैं यूज़ कर रहा हूँ. दिस दैट इज़ द मल्टीपर्पज़ कैमरा बैग दैट आई एम यूजिंग, कैमरा प्लस माई ट्रैवल बैग. एक बार इसको मॉडल देख लेते हैं. ये है प्रो रनर लो प्रो का 350 AW. इसकी मुझे खास बात क्या लगती है, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब परफेक्ट है एक ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए क्योंकि इसके अंदर कुशंस हैं बैक पे, शोल्डर स्ट्रैप्स और जो लोअर बैक की तरफ अगर ये कुशन जो दे रखे हैं इन्होंने, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं जब आप ट्रैवल करते हो बहुत लॉन्ग टाइम तक एंड यू हैव योर बैकपैक ऑन योर शोल्डर्स, तो ये बिल्कुल आपको थकाता नहीं है. दैट्स बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बीन 7 ईयर्स दैट आई एम यूजिंग दिस बैग एंड इसने मुझे आज तक कभी डिसअपॉइंट नहीं किया. स्पेस इज इनफ एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन ऑल्सो कैरी योर लैपटॉप विद यू. ये इजिली 15 इंचज़ लैपटॉप आप कैरी कर सकते हैं इसमें. वट आई कैरी विद मी इज माई 13 इंचज़ मैकबुक प्रो, इसके बारे में बात करेंगे. दिस फिट्स प्रॉपरली एंड बहुत ज़्यादा स्पेस बचती है इसके बाद भी. अगर मैं 2 लैपटॉप रखना चाहूँ वो भी रख सकता हूँ. सो विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स. सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वीडियो इन 3 सेक्शन जहाँ पे मैं बात करूँगा कैमरा गैजेट्स की दैट आई विल बी कैरिंग विद मी. सेकेंड इज दी ऑडियो इक्विपमेंट्स, दी माइक्स एंड एवरीथिंग. थर्ड इज लेंस एंड सम एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दैट आई यूजली कैरी विद मी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस बैग. यहाँ पे आपको ट्राईपॉड रखने की जगह मिल जाती है प्रॉपरली. यहाँ पे टाई हो जाए ट्राईपॉड, कहीं हिलता नहीं है एंड जब तक मैंने यूज़ किया है, जितनी बार भी मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल परफेक्ट होता है. एक अलग से ऐसा लगता नहीं है आपको कि हाँ कुछ अलग से बोझा आपने कैरी किया हुआ है. जो शोल्डर स्ट्रैप और लोअर बैक स्ट्रैप से जब आप बैग बांधते हैं तो वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है. लैपटॉप सेक्शन हमने देख लिया है. नेक्स्ट सेक्शन है ये जहाँ पे आप कैमरा लेंसेस. मैं क्या करता हूँ यूजुअली, ये डिवाइड कर देता हूँ अपने क्लोथ्स के लिए, ये डिवाइड कर लेता हूँ, ये सेक्शन डिवाइड कर लेता हूँ मैं अपने बाकी एक्सेसरीज वगैरह के लिए, और ये हो जाता है कैमरा एंड लेंस सेक्शन. बाकी मेरे जो एक्शन कैम वगैरह हैं वो यहाँ पे इजीली फिट आ जाते हैं. ये देखो माउंट वगैरह मैंने रखे हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम. एंड इसके ऊपर जो सेक्शन आता है वो ये है जहाँ पर आप बैटरीज वगैरह सब कुछ कैरी कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर. दिस इज़ द गोरिल्ला पॉड जो मैं यूजुअली कैरी करता हूँ, इसके अंदर ऑलरेडी होता ही है माई ट्रैवल टॉल एंड दिस इज़ दी GoPro चार्जर. तो ये चीज़ ऑलरेडी इसके अंदर होती ही है हमेशा. मेरे पास 2 कैमरा बैग हैं, उसके अंदर छोटा छोटा सामान मैं हमेशा रखता ही हूँ उसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग. मुझे पता है जब मैं कैमरा बैग लेके जाऊँगा तो गोरिल्ला पॉड भी साथ लेके जाऊँगा एंड एक छोटा ट्राईपॉड भी. तो ये जो अटैचमेंट है इस पर लगी रहती है. नाउ लेट्स मूव इन टू द सेकेंड सेक्शन विच इज़ माई कैमराज दैट आई विल बी कैरिंग विद मी. सो द फर्स्ट वन इज इंस्टा 360 1X2. मैं इसके अटैचमेंट्स रख देता हूँ, इसके बारे में मैं बात करूँगा अभी. तो अगर आपने इस कैमरे की ब्यूटी देखी नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे फुटेज से मैं कैप्चर करता हूँ. बहुत ही डिफरेंट तरीके की फुटेज आती है. 360 कैमरा है ये. 360 दो लेंस है इसमें, एक आगे एक पीछे, और एक स्टिच करके प्रॉपर आपको ये राउंड वीडियोस दे देता है. आप उसको नॉर्मल वीडियोस में भी देख सकते हैं, इसमें छोटी सी स्क्रीन है ये रही. तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ राउंड वीडियोस देगा, आप नॉर्मल वीडियोस भी इससे कैप्चर कर सकते हैं. और थ्रू सॉफ्टवेयर यू कैन कन्वर्ट दोज वीडियोज़ इन टू सम लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. तभी मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट करी थी. एंड ये एक एक्स फैक्टर ऐड करता है आपकी वीडियोज़ में. जब आप सिनेमैटिक वीडियोज़ वगैरह बना रहे होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप एक अलग सा 5-10 सेकेंड का एक सेक्शन डाल सकते हैं वीडियो का जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा, जहाँ लोगों का मुँह खुल जाएगा ये
क्या हो गया। तो ये कैमरा वाटरप्रूफ है, ये कैप्चर करता है 5K वीडियोस। मैंने आज तक 5K कैप्चर मतलब रिकॉर्ड करी नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, 4K में ही करता हूँ और मैं प्रॉपर 4K देता है यार ये। मुझे आज तक इसकी क्वालिटी से कोई भी शिकायत नहीं है, इसकी बैटरी परफेक्ट है, कभी भी ये हैंग नहीं हुआ है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ इसकी अटैचमेंट्स। तो अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं, ये है इसकी इनविजिबल स्टिक। जब भी आपने वीडियोस देखी होंगी कि जो राउंड हो जाता है उसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा, कैमरा बिल्कुल ड्रोन की तरह ऊपर है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टिक। एंड ये ब्लैक है, इसके सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे अलाइंड है, ये ऐसे एल्गोरिथम है इसकी कि ये स्टिक को गायब कर देता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट दिस स्टिक, अगर कोई भी आप एक ब्लैक स्टिक यूज़ करेंगे, एक कैमरा स्टैंड वगैरह, वो भी गायब आपको दिखाएगा, वो दिखाएगा नहीं उसके अंदर, एक छोटी सी अटैचमेंट आ जाएगी आपके हैंड पे, बस वही आपको दिख रहा होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज द अटैचमेंट टू कैप्चर बुलेट शॉट्स, तो बुलेट बंडल कहते हैं इसको। अब इसको कैमरा लगा के ना इस तरीके से हम बस थोड़ा सा इसको बड़ा करके ये पूरा लंबा हो जाता है ऊपर, तो इस तरीके से हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। एक डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट आता है और वो बहुत ही अमेजिंग होता है। मतलब अगर आप शौक रखते हैं कि आप थोड़े थोड़े डिफरेंट शॉट्स अपने ट्रैवल वीडियोस में डालें या किसी डेली वीडियोस में डालें या शॉर्ट्स बनाएं, तो उसके लिए ये बहुत अमेजिंग है। इसकी एप्लीकेशन आती है Insta360 करके, उसके अंदर ही आप सारे एडिट्स एंड सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर अलग से मतलब लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो उसका सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे भी अवेलेबल है, उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस जस्ट कि अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ फ़ोन है, तो फ़ोन के ज़रिए ही आप बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट कैमरा इज दिस SJCAM SJ200। अब सोच रहे होंगे अचानक से SJCAM क्यों, ये जो इसकी अटैचमेंट है ना, ये क्लिप वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। जब मैं बैग अपना पहनता हूँ शोल्डर पे, तो यहाँ पे उसके एक अटैचमेंट है, यहाँ लग जाता है और सारा जो शोल्डर परस्पेक्टिव से वीडियोस हैं वो बहुत इजीली कैप्चर हो जाती है। बेस्ट पार्ट इस कैमरे का क्या है, इसकी जो LEDs वगैरह ना ये ऑफ हो जाती है, तो किसी को पता नहीं लगता यहाँ कैमरा लगा हुआ, तो बहुत सारी हिडन चीज़ें आप कैप्चर कर पाते हैं। प्लस ये जेड ब्लैक है एंड कैमरा का जो स्टैप है वो भी ब्लैक है, तो कुछ को मैक्सिमम लोगों को पता नहीं लगता कि कैमरा चल रहा है। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने इससे निकाली है, हिडन वीडियोस। मैं करतारपुर कॉरिडोर गया था जहाँ पे बहुत जगह पे अलाउड नहीं था, अब मेरी गलती कह लीजिए या मुझे क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन हाँ मैंने थोड़ी थोड़ी हिडन वीडियो इससे कैप्चर करी थी, लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे कैप्चर हो रही है वीडियो। बेस्ट पार्ट इसमें बैटरी चेंज नहीं होती है, वाटरप्रूफ है एंड इसको आप चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल USB से, USB-C से। थर्ड इज माई फेवरेट एंड माई ट्रैवल कंपेनियन GoPro Hero 9 विद दी मीडिया मोड अटैचमेंट। तो इसकी साउंड क्वालिटी मीडिया मोड लगाने से बहुत अमेजिंग हो जाती है। मैंने मैक्सिमम जो अपनी वीडियोज़ कैप्चर करी हैं, एवरेज बेस कैम के ले लो या कहीं की भी ले लो, तो बी रोल्स मैंने लिए हैं अपने सोनी 6400 से, जिससे बाय द वे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा उस कैमरा, लेकिन हाँ सोनी 6400 इज़ द कैमरा जिससे मैं अपने बी रोल्स और स्लो मोशन जितनी वीडियोज़ होती हैं वो कैप्चर करता हूँ। समटाइम इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग लाइक द वीडियोज दैट आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ, आई यूज़ सोनी A6400 which gives me better 4K and best 4K results that I am looking for, and this also gives 5.7K। इस जस्ट कि मैं 5.7K पे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, 4K पे रिकॉर्ड करता हूँ और ये देता है मुझे बेस्ट रिजल्ट्स। इससे पहले मैं क्या करता था, मैं इसकी नॉर्मल बैटरीज यूज़ करता था, ये वाली। अब जब आप 4K रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ये बैटरी 30% जब भी आता है अपने आप ही ऑफ हो जाती है एंड ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती है। तो इसलिए मैंने एक नई बैटरी पे इन्वेस्ट किया, GoPro Enduro बैटरी एंड उसका चार्जर, ये है ब्लैक कलर की इंडियोरो जो इसमें लगी हुई है। तो ये 4K में बेटर रिजल्ट देता है, जल्दी ऑफ नहीं होता है और आई थिंक 30% मोर जो आपकी बैटरी लाइफ है ये इंक्रीज कर देता है। तो इट्स अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई वुड से। मेरे को शौक जरूर लगा था कि भाई अगर GoPro कमिट कर रहा है कि हम 4K प्रॉपर देते हैं, तो यार पूरी बैटरी वो चलनी चाहिए थी। तो इन्होंने बाद में ये इंट्रोड्यूस करी कि जो भी व्लॉग्स कर रहा है 4K पे, तो अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है तो यू कैन गो फॉर दिस Enduro बैटरी। और मैंने साथ में चार्जर भी परचेज कर लिया, मैं कहा यार अब ऑलरेडी 3 बैटरी उसके अंदर हैं, वो चार्ज होती हैं, तो कभी ऐसा हो कि मुझे चार्जर भी चाहिए, तो मैंने परचेज ही कर लिया बंडल। तो 6500 रुपीज़ का मुझे ये बंडल पड़ा था, जहाँ में 2 बैटरी मिली थी मुझको प्लस ये चार्जर। तो दिस इज़ माई गो टू कैमरा एवरीवेयर वेयर एवर आई गो फॉर ब्लॉग्स एंड द ट्रैवल वीडियोज। 90% ऑफ द वीडियोज दैट आई कैप्चर इज ओनली फ्रॉम दिस कैमरा, सो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली रिलाई करता हूँ। कभी कभी हाँ बीच में हैंग जरूर होता है, बहुत लोगों ने ये कंप्लेंट करी है, बहुत लोगों की मैंने वीडियोज़ देखी हैं जहाँ पे ये कैमरा अपनी मर्जी से कभी कभी चलता है, हैंग हो जाता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर कैमराज एंड कंपेयर टू द ड्यूरेबिलिटी एंड द
इजिबिलिटी मैं कहूंगा जितना इजिली एक्सेसिबल है, जितना छोटा हाथ में आ जाता है, इससे बेटर तो अब तक मुझे कुछ नहीं लगा है। द नेक्स्ट इज DJI Osmo Pocket। अब आप सोचेंगे इतने सारे कैमरा है तो आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई, तो भाई मुझे इसकी इसलिए जरूरत पड़ी, पहले तो देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। मैं इसको बटन प्रेस करूंगा और ये गिम्बल ऑन हो जाएगा। अब तो शायद बैटरी आउट है तभी ऑन नहीं हो रहा है, इस जस्ट कि जब ये इसका गिम्बल ऑन होता है तो बहुत ही ज़्यादा सिनेमेटिक रिजल्ट्स ये देता है। जो स्मूथ मूवमेंट हमें उसमें नहीं मिलती ना, इसमें ज़रूर मिलती है। ये भी 4K 60fps इजीली मुझे देता है। जहाँ पे भी मुझे थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स चाहिए होते हैं ना, जहाँ गिम्बल चाहिए होता है, तो वहाँ मैं इसको यूज़ करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक शॉट्स आते हैं, तो इसलिए मुझे ये इजी टू गो लगता है। ये वाटरप्रूफ नहीं है तो इसको मैं हर जगह तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े सिनेमेटिक मूवमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे मॉर्निंग में शॉट्स चाहिए होते हैं या इवनिंग में थोड़े ऐसे शॉट्स चाहिए होते हैं सिनेमेटिक, तो आई प्रेफर यूजिंग दिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने करी है, एंड इसको मैं अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाया हूँ, तो थोड़ा मैं खुद से डिसअपॉइंट हूँ कि हाँ कि मैंने ये क्यों लिया था, लेकिन हाँ कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तो इट्स अ गुड टू हैव कैमरा, नॉट रिकमेंडेड अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग एंड ऑल, तब इसमें मत जाइए, बिकॉज यू विल नीड समथिंग विच इज़ वाटरप्रूफ। तो गो फॉर आइदर GoPro, Insta 360 और Osmo, ये तीन आपके कैमराज होंगे जो आपको बेटर रिजल्ट देंगे, नॉट दी Osmo Pocket। ये एक है मेरे पास तो यूज़ कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरे कैमराज होते तो मैं नहीं लेता। सो द नेक्स्ट कैमरा इज माई ड्रोन टू कैप्चर ब्यूटिफुल एरियल फुटेज एंड ऑल। अगर आपको ड्रोन से शॉट्स अच्छे लगते हैं तो आई लव यू, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग पीस ऑफ इंजीनियरिंग है, मैं क्या कहूँगा इसके बारे में यार, बहुत ही अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रोन उड़ाना। अ मस्ट हैव कैमरा एक्सेसरी एंड मस्ट हैव कैमरा, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो प्लीज़ एक ड्रोन लीजिए, तो इससे आपके वीडियो का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। बट रिस्ट्रिक्शन तो इसकी हर जगह होती है, नॉट एवरीवेयर ड्रोन इज़ अलाउड, नॉट एवरीवेयर एरियल फोटोग्राफी इज़ अलाउड, इट्स रिस्ट्रिक्टेड एंड थोड़ा सा रिस्क भी रहता है इन्वॉल्व इसको उड़ाने में, इनकेस यू आर नॉट ट्रेन, सो अप टू योर चॉइस। लेकिन मेरे को पर्सनली ये बहुत अमेजिंग लगता है, आई लव फ्लाइंग ड्रोन एंड आई लव कैप्चरिंग एरियल फुटेज इज एन ऑल, तो दिस इज My one favorite camera, I would say, after Sony 6400, of course. So next section, the audio equipment. So the audio equipment that I use is DJI mic. ये बहुत ही amazing, बहुत ही ज़्यादा amazing mic है। By the way, recording जो हो रही है सही हो रही है अभी, इसका एक piece वहाँ लगा हुआ है, plus receiver camera पर लगा हुआ है, इसका एक second piece है ये, जैसे earphones होते हैं ना आपके, उस तरीके से काम करता है, जस्ट प्लग एंड प्ले, नो हैसल एट ऑल। इसको चार्ज सारे इकट्ठे ही होते हैं, जैसे आपका एयरपोर्ट के दोनों लेफ्ट एंड राइट ईयर प्लग यहाँ केस में डालो वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो, जस्ट बिकॉज आपको केस चार्ज करना है, वैसा ही सिस्टम इसके साथ है, जस्ट चार्ज द केस एंड थिंग्स आर रेडी टू गो। इसकी बैटरी लाइफ इज समवेयर अराउंड 15 आवर्स, मैंने तो अब तक इसको चार्ज किया ही नहीं है, चल रहा है प्रॉपर, चलते रहें तो जब तक डेड नहीं होता, तो दैट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग mic that I have seen. The design is amazing, the comfort is amazing, it's really easy to go. So in case you have a budget of somewhere around 30,000, go for this. Next is the Rode boom mic. Ye on कैमरा टॉप माइक है, जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना यार, इवन पब्लिक लोगों को माइक तो दे नहीं सकते, तो बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए भी प्लग द माइक ऑन टॉप ऑफ कैमरा एंड ये प्रॉपर अच्छे रिजल्ट दे देता है। मतलब ऑन कैमरा माइक से 50% एक्स्ट्रा इनहेंस ऑडियो आपको देता है, बाकी आपको थोड़ी सी तो बैकग्राउंड नॉइज ज़रूर आएंगी, बिकॉज ये ओमी डायरेक्शनल होता है, जिस तरीके से पॉइंट हो रहा है, जैसे शॉटगन होती है ना इसके अंदर, जिस तरफ ये पॉइंट हो रहा है उस तरफ की रिकॉर्डिंग जो है वो 70% साफ आएगी, साइड की नॉइजेस भी आती हैं, लेकिन ऑन कैमरा माइक से लाख गुना बेटर है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लेंसेज दैट आई यूज। तो मैं दो लेंसेज यूज करता हूँ, एक्चुअली मेरे पास तीन लेंसेज हैं, दो 16mm, एक 16mm छोटा पैनकेक लेंस है, वो यूजुअली मैं यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे पास सिग्मा का 1.4 16mm लेंस ऑलरेडी है, तो ये बहुत ही अच्छे सिनेमेटिक रिजल्ट मुझे दे देता है, प्लस 50mm 1.8 जो इस वक्त रिकॉर्डिंग में यूज हो रहा है, तो आई कैन नॉट प्लग इट एंड शो यू, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इट्स 50mm 1.8 lens that I'm using with my Sony A6400 plus this Sigma 1.4 16mm to just get the better wide shots, जो कहीं कहीं होता है ना कि भाई amazing wide shots आ रहे होते हैं, तो this is the lens, a best lens I would say. Next I'll talk about the accessories
which I always carry with me in my camera bag and I'll recommend all of you to have this. ये ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, 100 रुपये का सिर्फ ब्रैकेट है ये. कभी कभी क्या होता है कि वी नीड एक्स्ट्रा लाइट एंड हमारे कैमरा के ऊपर एक ही ब्रैकेट होता है, द शूट माउंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये माउंट ईजिली इस पर हो जाता है एंड यहाँ पे आप लाइट लगा सकते हैं, यहाँ पे आप माइक लगा सकते हैं, यहाँ पे एनी अदर एक्सेसरीज इन केस यू वांट टू माउंट यू कैन. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रैकेट दैट आई हैव सीन. बहुत ज़्यादा लाइट वेट है इसका, आई थिंक 50 ग्राम भी वेट नहीं होगा. आई डोंट नो इसका मटेरियल क्या है, बट इट्स जस्ट 100 रुपीस वर्थ एंड इसको अपने कैमरा बैग में आप ज़रूर इंक्लूड करें. जहाँ कहीं आप फंसेंगे ना, जहाँ लाइट वगैरह नहीं है, आपको एक लाइटमैन भी आपके पास नहीं है, तो दैट इज़ द बेस्ट एंड स्पेशली फॉर द ट्रैवल व्लॉगर्स दैट इज मस्ट हैव एक्सेसरी. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द एडिशनल लाइटिंग दैट आई यूज, दैट इज जुलानजी VL49 लाइट जो मैं यूज़ करता हूँ. इट्स एन RGB लाइट एंड इसको एक बार प्ले कर लेते हैं. ओके सॉरी, स्विच ऑन कर लेते हैं, नॉट प्ले. तो ये प्रॉपर लाइटिंग, सॉफ्ट लाइटिंग आपको दे देता है. ये छोटा सा जो लाइट सिस्टम है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. अभी तो मैंने इसके ऊपर फ्लैश का जो स्टैंड होता है वो लगा रखा है, जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे इजीली प्लेस हो जाती है मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे. तो इसके अंदर RGB सिस्टम आपको मिल जाता है, थोड़े प्रीसेट्स मिल जाते हैं जहाँ पे जैसे TV फ्लैश वाला सिस्टम होता है ना, वो चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर. तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जैसे रेड हो गया, नेक्स्ट इज ये कोई मोड आ गया जहाँ पे लाइट अपने आप चेंज हो रही है डिफरेंट कलर्स में. तो एक और मोड होता है इसके अंदर, हाँ ये तो नॉर्मल मोड आ गया. तो ये भी डायरेक्ट चार्ज, इसमें बैटरी नहीं लगती, डायरेक्ट USB-C से चार्ज होता है. एंड मैंने बहुत ही कम चार्ज किया है, यूज़ ज़्यादा किया है, दैट मीन्स इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है. एंड मेरे पूरे एवरेस्ट बेस कैंप ट्रिप पे मेरा साथ दिया था इसने. आई थिंक दो बार ही मैंने चार्ज किया इसको, अपने पावर बैंक से बहुत ईजिली चार्ज हो जाता है, ज़्यादा बैटरी की खपत इसकी होती नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं 50% रखता हूँ. और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लाइट देता है तो बैटरी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चल जाती है इसकी. सो दैट इज़ वन ऑफ द मस्ट हैव एक्सेसरीज. ऑल द व्लॉगर्स आई रिकमेंड यू शुड ऑलवेज हैव दिस. जहाँ भी लाइटिंग कम होगी ना, विद दिस ब्रैकेट यू कैन ईजिली प्लग एंड आपकी वीडियोज में एक एक्स फैक्टर काम करेंगे दोनों कॉम्बिनेशन के साथ. नेक्स्ट इज द SSD, द स्टोरेज. तो स्टोरेज के लिए मैं यूज़ करता हूँ SanDisk की SSD. ये 1 TB की SSD है एंड ये सुपर फास्ट है. कहीं भी ट्रैवल वीडियोस वगैरह में जहाँ मेरे मेमोरी कार्ड वगैरह भर जाते हैं तो आई यूज़ दिस टू कॉपी ऑल माई वीडियोज़. ये बहुत ज़्यादा रगेड है, वाटर रेजिस्टेंट है, प्रूफ नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव की तरह नहीं है. गिर जाए तो आज तक से कुछ हुआ नहीं है, 4-5 बार गिर चुकी है. इट्स काइंड ऑफ रबर में, तो बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी है इसकी. आज तक तो मुझे इसमें धोखा दिया नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट. मतलब क्या 40-50 ग्राम का इसका वेट होने वाला है. तो इट्स अ मस्ट हैव एक्सेसरी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माई मैकबुक 13-inch 2018 मॉडल दैट आई यूज. दैट्स माई बेस्ट ट्रैवल कंपेनियन. अगर कहीं भी जा रहा हूँ, रील्स वगैरह एडिट करनी है, हार्ड ड्राइव से कुछ कॉपी करना है, मेमोरी कार्ड्स खाली करने हैं, दैट इज़ द बेस्ट लैपटॉप यू कैन कैरी विद यू. फर्स्ट इज मैकबुक जो आपको स्पीड बहुत ही ऑसम देता है. एंड दिस इज़ द i5 वर्जन दैट आई हैव 2018 मैकबुक प्रो, नॉट एयर. एंड ये टच बार वाला वर्जन है मेरे पास. इट्स जस्ट अमेजिंग यार, मेरे को आज तक इसने धोखा नहीं दिया. इट्स वर्किंग रियली नाइस फॉर मी फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स एंड दैट द भरोसा दैट वी गेट विद मैकबुक्स. मेरे पास एक विंडोज लैपटॉप भी है, इट्स जस्ट लाइंग हियर, लेकिन उसकी जो आई थिंक परफॉर्मेंस है ना एडोबी प्रोडक्ट्स में, वो इतनी फास्ट नहीं है जितनी फास्ट इसकी है. तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा ही फास्ट है. इट्स जस्ट दैट व्हेन यू यूज़ द ट्रैक पैड दिस गिव यू 100% एक्यूरेसी एंड फोटोशॉप प्रीमियर प्रो पे यू डू नॉट नीड माउस एवरीवेयर. यू जस्ट नीड दिस ट्रैक पैड एंड इट डज द जॉब फॉर यू. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इट्स रियली लाइट वेट, छोटा सा है, हर जगह कैरी होता है, बैटरी बैकअप बहुत अमेजिंग है. तो इन केस यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट ऑन अ ट्रैवल लैपटॉप, then go for a MacBook. I'm not talking about you go for the old MacBook this model, but go for M1 or M2 which gives you the long lasting bharosa and the speed and everything that you're looking for, plus the accuracy, the color accuracy, the white accuracy of Mac is always better. Go for Mac. I'm not
दिस नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एप्पल, सो मैं इतनी बढ़ाई नहीं कर रहा इस मैक की इसलिए, लेकिन हाँ अगर आपको चाहिए अच्छा ट्रैवल कंपेनियन की अच्छा लैपटॉप हो जिससे बहुत सारे काम हो जाए तो मैकबुक इज द बेस्ट वन. सो दैट्स इट, दीज आर द थिंग्स दैट आई कैरी विद मी एंड आई यूज फॉर माई ट्रैवल फिल्म मेकिंग एंड मस्ट हैव एक्सेसरीज दैट आई हैव एक्सप्लेन. यू शुड ऑलवेज कीप दिस विद यू, छोटे छोटे ब्रैकेट्स वगैरह ना परचेज दिस एंड कीप इट विद यू बिकॉज वो कब काम आ जाए उससे ट्रैवल ट्रैवल वीडियो कोई भी वीडियो की यार क्वालिटी एनहेंस ही होती है. यू ऑलवेज वॉन्ट टू इम्प्रूव, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती हैं एंड दीज आर अमेजिंग एक्सेसरीज आई वुड से. सो इनकेस यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब, लाइक करिए वीडियो को एंड कॉमेंट करके बताइए इनकेस आई एम मिसिंग समथिंग एंड इनकेस यू थिंक आई शुड एड समथिंग एंड अगर आपको मेरी चीज़ों से कोई वैल्यू मिली कि इनकेस यू थिंक दैट यू शुड एड दैट टू योर ट्रैवल लिस्ट और योर ट्रैवल बैग, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए एंड थैंक यू. I'll see you in the next adventure.